अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम बात कर रहे थे साइकाइट्री में डिसऑर्डर्स की, खासतौर पर मूड डिसऑर्डर्स की, जिसमें डिप्रेशन को मैंने डिस्कस कर लिया इन डिटेल। और अब जो अगला डिसऑर्डर मैंने डिस्कस करना है वो है बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। मैं आपको ऑलरेडी एक नो हाउ दे चुकी हूँ जब मैंने आपको मेनिया एंड हाइपोमेनिया पढ़ाया था, लेकिन अब हम जरा इसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, जैसे क्वेश्चन आता है और हर चीज़ में नज़र डल जाएगी। सो आपको पता है कि इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होती बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर की, लेकिन एक्चुअली अगर हम वैसे कहें कि व्हाट इज़ बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, तो इट इज़ अ मूड डिसऑर्डर, इनस्टेबिलिटी ऑफ मूड कैरेक्टराइज्ड बाय एपिसोड्स ऑफ मेनिया एंड हाइपोमेनिया ऑन वन साइड एंड डिप्रेशन ऑन अदर साइड। ठीक है, इसमें दोनों चीज़ें आ रही होती हैं पेशेंट को। इसमें पेशेंट को एक तरफ उसकी इलेशन ऑफ मूड और मेनिया और हाइपोमेनिया की एपिसोड्स आ रही होती हैं, कोई भी हो सकती है इनमें से, और दूसरी तरफ पूरी की पूरी डिप्रेशन आ रही होती है। जब ये दोनों चीज़ें अलग अलग एपिसोड दोनों की आए, बार कभी किसी की आए कभी किसी की आए, तो उसको हम कहते हैं बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं कॉज की, तो आपको पता है कि नॉर्मली ये जितनी भी हमारी साइकाइट्रिक डिजीज होती हैं इनके पीछे कोई एक डेफिनेट कॉज नहीं होती, डिफरेंट फैक्टर्स हम कह सकते हैं इन्वॉल्व होते हैं। तो ये भी रिस्क फैक्टर्स हैं बेसिकली जो कि ये डिसऑर्डर कॉज कर सकते हैं, जो कि आपसे बहुत कम ही पूछे जाते हैं, जिसमें जो जेनेटिक रिस्क फैक्टर में ये आ सकते हैं कि अगर एक सिबलिंग को होता है ना बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, तो काफ़ी ज़्यादा चांस होता है कि दूसरे बहन भाई को भी हो जाए, और ख़ासतौर पर ट्विन्स में अगर एक ट्विन को है तो फिर दूसरे ट्विन को होने का चांस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो थोड़ी बहुत जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन इस हिसाब से आती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर इस तरह से रिस्क ऐड कर देता है कि आपकी ज़िंदगी में होने वाले नेगेटिव लाइफ इवेंट्स जो है, जिनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कोई बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉसेज होना, कोई मेजर लोगों की अर्ली लाइफ में डेथ देखना, और इस किस्म के जो भी कोई बहुत बड़ा फेलियर होना लाइफ में, ये नेगेटिव लाइफ इवेंट्स हैं, ये नॉर्मली प्री डिस्पोज करते हैं साइकाइट्रिक इलनेसेस के लिए। ठीक है, एंड न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर्स जो नॉर्मली आपसे पूछे नहीं जाते, बट कभी MCQ आ ही सकता है, तो आपको जैसे पता ही है कि इंक्रीज डोपामिन एक्टिविटी इन ब्रेन जो है, जो हमारी होती है, वो लेके जाती है आपको मेनिया की तरफ। ठीक है, और इसी तरह आपने डिप्रेशन के न्यूरोबायोलॉजिकल कॉज को अगर बहुत डिटेल में, मैं नहीं बता रही सिर्फ एक लफ्ज अगर आपने MCQ के लिए याद रखना है, तो आपको पता है डिप्रेशन होती है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी रीनल एक्सिस की डिस्टर्बेंस से, तो ये जब डिस्टर्ब होते हैं तो डिप्रेशन हो जाती है। ठीक है, तो डिप्रेशन के एपिसोड इसकी वजह से आ सकते हैं, और इंक्रीज डोपामिनर्जिक एक्टिविटी की वजह से मेनिया के एपिसोड हो सकते हैं। मतलब ये कि आपके लिए MCQ के लिए मैंने एक मोटा से बात बताई, अदरवाइज इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, ये याद रखना है कि बाइपोलर इफेक्टिव डिसऑर्डर आपका दो तरह का होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2 बाइपोलर इफेक्टिव डिसऑर्डर। जो टाइप 1 होता है वो हम तब कहते हैं जब पेशेंट को एटलीस्ट एक एपिसोड ऑफ मेनिया, प्रॉपर मेनिया की आई हुई हो। ठीक है, प्रॉपर मेनिया की अगर एक एपिसोड आई हुई होगी अलॉन्ग विद कभी ना कभी जिंदगी में डिप्रेशन के एक एपिसोड, तो उसको हम कहते हैं टाइप 1। लेकिन टाइप 2 हम तब कहते हैं जब पेशेंट को मेनिया की कोई प्रॉपर एपिसोड नहीं आई, लेकिन एक प्रॉपर एपिसोड हाइपोमेनिया की आई हुई है अलॉन्ग विद 1 एपिसोड ऑफ मेजर डिप्रेशन। ठीक है, डिप्रेशन को मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ, डिप्रेसिव एपिसोड भी बताई है और डिप्रेशन भी डिटेल में डिस्कस हो गया, इसलिए अब मैं वो दोबारा डिस्कस नहीं करूंगी। अब मैं एक दफ़ा आपको मेनिया और हाइपोमेनिया बताऊंगी, ये भी बेशक जिक्र मैं इसका भी डिटेल में कर चुकी हूँ, लेकिन एक रिव्यू आपको देती हूँ यहाँ पर। अच्छा ठीक है, टाइप 1 और टाइप 2 में डिफरेंस याद करना है। 1 में हमेशा मेनिया की एक लाजमी आई होगी और 2 में हाइपोमेनिया की एक लाजमी आई होगी। अगर आपके पास पेशेंट आता है और उसकी पहली एपिसोड होती है और मेनिया की होती है और पहले वो डिप्रेशन का पेशेंट है, इसका मतलब है बाइपोलर टाइप 1 इफेक्टिव डिसऑर्डर हो गया उसको। ठीक है, अच्छा मेनिया क्या था, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इसके कुछ जो टिपिकल फीचर्स हैं वो आपने हमेशा याद रखने हैं। उसमें ये आता है कि इसमें इंसान ज़रूरत से ज़्यादा खुश, ज़रूरत से ज़्यादा हाई हो जाता है मूड में। वो किस तरह से होता है, आपको मैंने बताया था कि एक्सट्रीम इलेशन ऑफ मूड हम कहते हैं। सबसे पहला फीचर ये होता है एक्सट्रीम इलेशन ऑफ मूड, जो कि कॉन्ट्रेरी टू द सोशल सर्कमस्टांसेस हो। जैसे एक बंदे को एक पता चलता है कि उसका कोई बहुत बड़ा एग्जाम है और उसमें वो उसने टॉप कर लिए, तो डेफिनेटली कुछ टाइम के लिए मूड इलेट हो जाता है और कई बार बहुत ज़्यादा खुशी भी हो जाती है, लेकिन वो एक वजह थी, थोड़ी देर के लिए हुआ एंड देन वो सेटल हो जाते हैं। अब कोई रीज़न नहीं है विदाउट एनी रीज़न एक्सट्रीम इलेशन ऑफ मूड, जिसमें आपको लोग ये भी कहेंगे कई दफ़ा कि मेरा, आप पूछेंगे मिजाज कैसा है, फ्री हुआ हुआ है, वो फ्री का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, बस बहुत स्पीड आई हुई है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा खुशगवार और बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाना मूड में, एक्सट्रीम इंक्रीज लेवल ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी हो जाती है, वेरी मच डिक्रीज स्लीप, नींद की बहुत ही कम हो जाती है, मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ती है ऐसे लोगों को। उसके अलावा बहुत ज़्यादा इन लोगों को डिस्ट्रैक्टेबिलिटी हो जाती है, यानी कि हर चीज़ इनको डिस्ट्रैक्ट करती है कि कहीं पर अटेंशन फोकस कर ही नहीं सकते, किसी काम में भी नहीं। और जो नॉर्मल सोशल इनहिबिशंस होती हैं, यानी कि जिस तरह हमें पता है कि हम किसी महफिल में बैठे हुए हैं तो हमें क्या बात करनी है क्या नहीं करनी, वी नो दिस,
ऐसे लोगों को कोई सोशल इनहिबिशन नहीं रहती. हो सकता है आपके सामने बैठे हुए एक डॉक्टर के पास इंटरव्यू करें, आपके सामने कोई खाने की चीज़ पड़ी हुई है, दे विल पिक अप एंड स्टार्ट ईटिंग दैट. तो उनको मतलब सोशल इनहिबिशन रहती ही नहीं है ना, वो बस कुछ भी करते जाते हैं. तो ये वाले जो सारे फीचर्स हैं ये लाजमी होने चाहिए, ये एटलीस्ट 7 डेज के लिए होने चाहिए एटलीस्ट. कोई उनके पीछे कोई सोशल वजह नहीं होगी कि उसको कोई अभी अचानक से कोई बहुत खुशी मिली थी किसी चीज़ की, ऐसा कुछ भी नहीं होगा. और ये आपके सोसाइटी पे, आसपास के लोगों पे और नॉर्मल ज़िंदगी पे नेगेटिव फंक्शनल इफेक्ट कर रहे होंगे, तो हम उसको मेनिया कहेंगे. ठीक है, बातें याद रखनी है. कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, एटलीस्ट 7 दिन के लिए हैं और सोसाइटी और पेशेंट की ज़िंदगी को चलाने में बहुत नेगेटिव सोशल इफेक्ट, फंक्शनल इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, वो अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लाइफ नहीं कर पा रहा. ठीक है जी, इसको मेनिया के एपिसोड कहेंगे. हाइपोमेनिया क्या होता है? यही वाले फीचर्स थोड़े से कम कर दें, मतलब माइल्ड इलेशन ऑफ मूड होता है, इंक्रीज्ड एनर्जी होती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती, थोड़ी डिक्रीज स्लीप होती है और डेफिनेटली बहुत ज़्यादा उस तरह कहते हैं ना सोशल इनहिबिशन से बहुत ज़्यादा वो नहीं हो जाते, फ्री हो जाते. तो हाइपोमेनिया वाले लोग नॉर्मली वेल फंक्शन कर जाते हैं, उनके बहुत ज़्यादा ऐसे प्रॉब्लम की मसले वगैरह उनमें पेश नहीं आते. एंड हाइपोमेनिया के एपिसोड शुड स्टे फॉर एटलीस्ट 4 डेज. ठीक है, जिस तरह मेनिया के एपिसोड शुड स्टे फॉर एटलीस्ट 7 डेज. अब मेनिया में एक और बात याद रखनी है कि जो आपका साइकोसिस हो सकता है ना, यानी डिल्यूजन या हेलुसिनेशन, मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था ग्रैंडियोसिटी का. ठीक है, ग्रैंडियोसिटी का मतलब ये है कि पेशेंट विल फील कि आई एम सुपीरियर टू अदर्स. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा होता है मेनिया में और यही चीज़ जब उसकी फर्म अनशेकेबल बिलीफ बन जाती है तो वो डिल्यूजन बन जाता है, ग्रैंडियोस डिल्यूजन्स, कि मैं बादशाह हूँ, मेरे पास सुपर पावर्स हैं, आई कैन फ्लाई इन एयर एंड वगैरह वगैरह. तो ये जो ग्रैंडियोसिटी एंड ग्रैंडियोस डिल्यूजन्स हैं ये मेनिया में आती हैं. हाइपोमेनिया में कभी भी साइकोसिस नहीं होगा, डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस नहीं आएंगी. डिल्यूजन्स एंड हेलुसिनेशंस आर ओनली पार्ट ऑफ मेनिया. हाइपोमेनिया में आपका सिर्फ और सिर्फ बाकी फीचर्स आते हैं जो मैंने बता दिए, ये इनका फ़र्क लाजमी याद रखना है. अच्छा, अब मैंने आपको बता दिया कि बाइपोलर टाइप 1 टाइप 2 में क्या क्या आते हैं. अच्छा, इन्वेस्टिगेशन या इसका डायग्नोसिस एस्टेब्लिश करने की जो बात है तो वो हमेशा क्लिनिकल होता है, उसमें किसी भी किस्म की आपको इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती. हमारी जो गाइडलाइंस हैं ICD-11, ICD-10, ICD-11 को हम सबसे रिसेंट फॉलो करते हैं, उसके मुताबिक क्लिनिकल डायग्नोसिस है. आपको अगर शक पड़ता है कि पेशेंट को कोई ऑर्गेनिक कॉज हो सकता है तो उसको रूल आउट करने के लिए आप ये टेस्ट कराते हैं, जिसमें बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस में जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि कंप्लीट ब्लड काउंट है, लिवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स हैं एंड PTA PTT जो आपकी होती है, कोएगुलेशन प्रोफाइल, ये आप सारे बेसलाइंस में करा सकते हैं. विटामिन B12 और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से साइकाइट्रिक सिम्टम्स आ सकते हैं, तो ये करा सकते हैं. सीरम फेरेटिन लेवल टू रूल आउट एनीमिया. कहते हैं थोड़ी सी रिस्क होता है जिन बच्चों को बचपन में टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई का इन्फेक्शन हुआ होता है, चाहे वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बच्चों को हुआ हो या फिर बाद में, उनको थोड़ा सा बाइपोलर डिसऑर्डर का रिस्क ज़्यादा होता है. तो इस वजह से आप टॉक्सिकोलॉजी स्क्रीन करा लेते हैं, HIV का टेस्ट करा लेते हैं और CT ब्रेन टू रूल आउट एनी ऑर्गेनिक कॉज. एक और बात याद आई कि जो बच्चे प्री मेच्योर पैदा होते हैं एटलीस्ट लेस देन 32 वीक्स, उनको भी रिस्क फैक्टर में आ जाता है बाइपोलर डिसऑर्डर की. अच्छा, अब आ जाती है मैनेजमेंट ऑफ मेनिया. तो इसमें आपके आएगा एक तो एक मैनेजमेंट ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर में जाहिर है आप करेंगे कि एक्यूट मैनेजमेंट क्या है मेनिया की, एक्यूट मैनेजमेंट क्या है डिप्रेशन की और लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट क्या है इस पूरे डिसऑर्डर की. तो अगर इस वक्त पेशेंट आपके पास आया है मेनिया के एपिसोड के साथ और वो वैसे बाइपोलर डिसऑर्डर का पेशेंट है, पहले उसको डिप्रेशन के एपिसोड भी आ चुकी है, तो एक्यूट मैनेजमेंट ऑफ मेनिया में हमेशा आप स्टार्ट करते हैं विद ओरल एंटीसाइकोटिक्स. ठीक है, ओरल एंटीसाइकोटिक्स में जो ड्रग ऑफ चॉइसेस हैं जो हमारे यहाँ इस्तेमाल होती हैं वो आपने याद रखनी है. सिर्फ ये कह देना काफ़ी नहीं है. ठीक है, आपके हाँ जो हमारे यहाँ मतलब यूज़ होती हैं वो हैं ओलेंजापिन, क्यूटायापिन, उसके बाद आपकी हेलोपेरिडोल. ठीक है, ये आपकी मेन एंटीसाइकोटिक्स है जो हम इस्तेमाल करते हैं इन एक्यूट मैनेजमेंट ऑफ मेनिया. ड्रग्स को डोजेस बेशक ना भी याद हो, नाम लाजमी पता होने चाहिए. ठीक है, अच्छा ये न्यूर एंटीसाइकोटिक्स में आती है और जो हेलोपेरिडोल है ये पुरानी वाली एंटीसाइकोटिक्स में आती है. टिपिकल में से सिर्फ हम हेलोपेरिडोल इस्तेमाल करते हैं, बाकी ओलेंजापिन क्यूटायापिन जो है वो आपकी न्यूर में आती हैं. अच्छा, उसके बाद है आपकी दूसरा अपने काम ये करना है कि हो सकता है ये पेशेंट जो इस वक्त मेनिया के एपिसोड के साथ आया पहले वो डिप्रेशन के एपिसोड के साथ आया हो. अगर वो पहले डिप्रेशन के एपिसोड के साथ आया था और आपने उसको सिंपल डिप्रेसिव डिसऑर्डर डायग्नोस किया हुआ था तो हो सकता है वो एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहा हो. ये बात आपने लाजमी रिव्यू करनी है, क्योंकि अगर वो पेशेंट एंटी डिप्रेसेंट्स लेता रहेगा तो उसकी मेनिया के एपिसोड मजीद एग्जैजरेट होगी. खुद सोच लेना, पेशेंट एक लो मूड का होता है डिप्रेशन का, हम उसको मूड इन्हेंसर देते हैं ताकि उसका मूड बेहतर हो जाए. और अगर हम मेनिया में ये बात नहीं देखेंगे कि क्या पेशेंट पहले से एंटी डिप्रेसेंट ले रहा है
और उसको लेता रहेगा तो वो मूड तो इन्हेंस करता जा रहा है अपना गोलियों से, तो फिर हम कुछ और देंगे कि तो फ़ायदा नहीं होगा। तो लाजमी देखना है, लाजमी रिव्यू करना है मेनिया के पेशेंट से कि क्या आप पहले से कोई दवाई ले रहे हैं, और अगर वो डिप्रेशन की ले रहा है तो उसकी डोज को टेपर करना है और कुछ टाइम के लिए बंद कर देना है, एंड ओनली शिफ्ट टू दीज ड्रग्स, ठीक है, जो एंटीसाइकोटिक्स हैं। और उसके साथ थोड़ा सा पेशेंट के मूड को मजीद स्टेबलाइज करने के लिए आप बेंजोडाइजेपिन्स यूज़ कर सकते हैं ताकि वो थोड़ा सा माइल्ड, लेकिन बेंजोडाइजेपिन्स लॉन्ग टर्म नहीं इस्तेमाल करनी होती, जैसे क्लोनेजेपैम है या लोरेजेपैम है, ये शॉर्ट टर्म देनी होती हैं, वरना इनका बहुत ज़्यादा एडिक्टिव इफेक्ट भी आ जाता है। तो ये आप एडिक्टिव के तौर पर ऐड कर सकते हैं। उसके साथ साथ पेशेंट को साइकोलॉजिकल कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी किसी हद तक रोल प्ले करती है। फिर आ जाता है आपके पास अगर आपका बाइपोलर डिसऑर्डर का पेशेंट डिप्रेसिव एपिसोड के साथ आया। अब एक नॉर्मल जो पेशेंट डिप्रेशन के साथ आता है जिसकी पहली एपिसोड थी और उसको मेनिया की कोई एपिसोड नहीं है, तो उसको आपने डिप्रेशन के तौर पे ट्रीट करना है, मतलब जो सिंपल डिप्रेशन होगी। लेकिन अगर एक पेशेंट है जिसको पहले मेनिया की एपिसोड आ चुकी है, अब वो डिप्रेशन के साथ आए, इसका मतलब उसे बाइपोलर है। या फिर एक पेशेंट आपके पास आया जो पहले से डायग्नोस्ड है बाइपोलर डिसऑर्डर का और इस वक्त डिप्रेशन के साथ आया है, तो ये याद रखना है कि बाइपोलर के लोगों में सिंपल एंटी डिप्रेसेंट्स उतना काम नहीं करती, उतनी इफेक्टेड नहीं होती। अगर जिस तरह हम वहाँ पर सिंपल एंटी डिप्रेसेंट्स दे देते हैं खाली, यानी कि दे देंगे हम फ्लुऑक्सिटीन या फिर हम वहाँ पर दे देते हैं और भी एसिटैलोप्राम वगैरह दे देते हैं, वो आपकी बाइपोलर की डिप्रेशन में उतनी इफेक्टिव नहीं है। बाइपोलर की डिप्रेशन की एपिसोड को ट्रीट करने के लिए आपको लाजमी तौर पे एंटी साइकोटिक ऐड करनी पड़ती है। और वो किस तरह से आप दे सकते हैं, आप फ्लुऑक्सिटीन को ऑलेंजापिन के साथ कंबाइन करके दे सकते हैं, आप सिर्फ क्यूटायापिन दे सकते हैं, ये भी एंटीसाइकोटिक है, सिर्फ ओलेंजापिन दे सकते हैं, ये भी एंटीसाइकोटिक है, और एक और होती है मूड स्टेबलाइजर जो एंटी एपिलेप्टिक के तौर पे इस्तेमाल होती है, एंटी सीजर ड्रग के तौर पे लेमोट्रिजीन, ये भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको सारी ड्रग्स के नाम आने चाहिए। देन अपने ये लव्स कभी भी नहीं भूलना, बहुत ज़्यादा एमसीक्यू में आता है कि व्हाट इज़ लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, तो वो आप हमेशा लिथियम देते हैं। लिथियम इज़ अ मूड स्टेबलाइजर, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा जाता है और इनके मूड को स्टेबलाइज रखता है, डिप्रेशन और मेनिया दोनों को कंट्रोल में रखता है। जिन लोगों का लिथियम से नहीं कंट्रोल होता, उन्हें हम शॉर्ट टर्म के लिए सोडियम वैलप्रोएट यानी वैलप्रोइक एसिड देते हैं, लेकिन वैलप्रोइक एसिड कभी भी वो मेंटेनेंस डोज में नहीं देना होता, लिथियम देना होता है। ठीक हो गया जी, यहाँ पर हमारा पूरा बाइपोलर डिसऑर्डर खत्म हो जाता है। किसी को कोई मसला होता है, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।